सो एवरीबॉडी, हमारे बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो कि वेयर हाउस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं कोलकाता लोकेशन में। बिल बता दूं उनको कि यहाँ पर एक कंपनी नहीं, दो कंपनी नहीं, तीन कंपनी नहीं, बल्कि चार पांच ऐसे कंपनी में जॉब्स का एक्सप्लेन करूंगा जिसमें आप एक्साइटमेंट होंगे और करना भी चाहेंगे। बेसिकली पूरा वीडियोस देखिएगा क्योंकि इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन को हमने इंक्लूड किया है, जैसे कि सैलरी, फैसिलिटीज, पीए, पीएसआई एंड एवरीथिंग। बिकॉज ये जो जॉब्स भेजा गया, आप लोग को पता ही होगा कि ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भेजा गया, एंड ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड इज बेस्ट प्लेसमेंट एजेंसी इन कोलकाता लोकेशन। हम हमेशा से रिकमेंडेड करते हैं, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहली बात कि अगर आप कंपेयर करते हो अनदर प्लेसमेंट एजेंसी से, तो वहां पे क्या होता है कि आपको सेम डे ज्वाइनिंग नहीं मिलता, बिकॉज यहां पे सेम डे ज्वाइनिंग मिलता है। हाँ, हम डियर केस में मैंने देखा है कि बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसीज अभी सेम डे ज्वाइनिंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लू माया दे रहा है, बट हम जो है जहां तक मेरे पास में जानकारी है वहां तक ही हम आपके साथ में शेयर करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो जॉब्स के बारे में प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा वही जॉब्स आपको मिलने हैं, ऐसा नहीं कि बताया कुछ जा रहा है मिल कुछ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। आपको अगर बोला जाएगा कि वेयर हाउस में काम मिल रहे हैं, मतलब कि वेयर हाउस में ही काम मिल रहे हैं, इसमें कोई भी इश्यूज वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना जी। तो वेयर हाउस में काम मिलने मतलब वेयर हाउस में मिलने, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम आपके साथ में वेयर हाउस डिपार्टमेंट के ही पांच कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें से चार में अभी वैकेंसी चल रही है और फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मिंत्रा एंड एक्सप्रेस बेस में भी चल रहा है। बिकॉज वॉचिंग नाउ स्टेप बाय स्टेप एंड आफ्टर देन टॉकिंग राइट नाउ फॉर दिस वैकेंसी, कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइडेड नाउ स्क्रीन एंड कॉलिंग नाउ एंड विजिट नाउ ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस एंड आप जॉब लीजिए। चलिए यहाँ पे हम ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा टाइम आपके साथ में नहीं लेंगे, बट हाँ जो भी है कॉम्पिटिटिवली स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में शेयर करने वाले, निवेदन एक ही करता हूँ, जिस प्रकार से हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं उसी प्रकार से आप इंफॉर्मेशन पूरा कलेक्ट करके आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वेल नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो कंपनी है, पहला कंपनी का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद सेकेंड कंपनी आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे टॉप फाइव वेयर हाउसेस जॉब्स इन कोलकाता लोकेशन, अगेन सबसे पहला जो है फ्लिपकार्ट वेयर हाउस कंपनी जॉब इन कोलकाता। इसमें भी आपको पता है वेयर हाउस डिपार्टमेंट में जो आपका काम होता है वो होता है पैकिंग का काम, तो यहाँ पे पैकिंग जॉब्स है। इसमें सैलरी जो ऑफर किए गए हैं 13,000 rupees मंथली बेसिस, दिस इज अ नॉट फिक्सेबल अमाउंट, दिस इज ए इंक्रीजेबल सैलरी एंड आफ्टर देन 6 to 9 months योर सैलरी विल बी डेफिनेटली इंक्रीजेस, ठीक है ना जी। तो ये हो गया इसमें सैलरी का रेशियो, 10 आवर्स ड्यूटी एंड 26 डेज वर्किंग इन अ मंथ, और यहाँ पे एज लिमिटेशन, सो मस्ट कंपल्सरी मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 37, बिलो 18 कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल एंड अबोव 37 ईयर कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल। सो एज क्राइटेरिया इज मोस्ट कंपल्सरी नीडेड इन दिस कंपनी। एंड सेकेंड थिंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मिनिमम 10 पास, बिलो 10 पास कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल एंड नॉट रिकमेंडेड इन दिस कंपनी, क्योंकि आपका जो क्वालिफिकेशन होता है वो मैटर करता है। क्वालिफिकेशन अगर आपका बेस्ट है तो आप इस कंपनी में विजिट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वेल बता दूं यहाँ पे लोकेशन है हावड़ा श्रीरामपुर, एंड आपको बता दूं श्रीरामपुर लोकेशन कोलकाता का इंडस्ट्रियल एरिया में शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है, बिकॉज पहला नंबर पे तो धूलागढ़ आता है, धूलागढ़ में बहुत ज़्यादा कंपनी है। अगेन कि यहाँ पे श्रीरामपुर में भी बहुत सारे लोगों का नीडेड होता है, डिमांड होता है, जस्ट मीन्स कि आप विजिट कर लेना। यहाँ पे शेयरिंग रूम रेडी फॉर रेंटल है, और यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपका बता दूँ अमेजन कंपनी है। अमेजन कंपनी में भी सिंपल फंडामेंटल है, सिर्फ नाम हटा के अमेजन कर दिया गया, बिकॉज यहाँ पे तो सिंपल है ही, जैसे कि इसमें भी 13,000 है, इसमें 9 घंटे का काम है, दानकुनी लोकेशन है, 10 घंटे की ड्यूटी है, 10वीं पास चाहिए, एज 18 से 37 के बीच में होना चाहिए। वेल यहाँ पे हेल्पर, पैकिंग का हेल्पर का जॉब है, 13,000 rupees सैलरी है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें अमेजन को हटाते हैं, स्नैपडील मान सकते हो, मिंत्रा मान सकते हो, तो वही है, और एक्सप्रेस बेस में थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा होकर 13,500 हो जाता है, बिकॉज सभी में रेंटल रूम प्रोवाइड रहेगा, बट उसका 700 से 1,000 rupees चार्ज रहेगा पर कैंडिडेट का, और एक रूम में कम से कम 2-3 कैंडिडेट रहेंगे, बिकॉज फूडिंग का आपको खुद से मेंशन करना पड़ेगा, खाना यहाँ पे कंपनी एडजस्ट नहीं करवाती, तो ये चीज़ों को आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट जो भी जानकारियाँ थी मैंने आपके साथ में शेयर किया, और ज़्यादा जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड को, एंड ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।